हे कोरियन जाग्या व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 4 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैडम जी चेन शाओशेंग के रूम में जबरदस्ती घुसती हैं और शाओशेंग वहां पड़ रही होती है। मैडम जी कहती हैं कि वो शाओशेंग की ट्रिक को नहीं समझ पाई, अब उसे उसी की ट्रिक की वजह से मेन हाउस में ही रहना पड़ेगा। तुमने अपनी मदर के बारे में बुरा बोलने से पहले नहीं सोचा, शाओशेंग कहती है कि हाँ ये सब अजीब है, आपको ही मेन हाउस में रहना था क्योंकि आपको एक लड़का देना था और मुझे अपनी माँ को नाराज करना था, हम बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, अब आप मुझे पूरा ब्लेम क्यों कर रही हैं? तभी मैडम जी कहती हैं कि तुम मुझसे इतने सालों का बदला ले रही हो। चेंग शी ने कहा है कि उसका हस्बैंड नए हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे और मैं अकेली इसी घर में रहूंगी, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी मदर की ट्रिक है। शाओशेंग कहती है कि सेकंड अंकल ठीक नहीं है, उसके फादर को लगा कि न्यू हाउस में बहुत स्पेस है, उनको परेशानी ना हो इसलिए उन्होंने उन्हें न्यू हाउस में रहने को कहा। मैडम जी उसे डांटती है और कहती है कि उसे चेंग फैमिली में लड़का देना है, अगर सेकंड अंकल नए घर में रहने चले गए तो वो लड़का कैसे देगी। शाओशेंग क्वेश्चन करती है कि लड़का देने के लिए सेकंड अंकल की क्या जरूरत है और कंपैरिजन एक हैन के साथ करती है। मैडम जी कहती हैं कि वो हैन नहीं है जो अंडे दे दे और वो बहुत छोटी है इन सब बातों के लिए। मैडम जी कहती हैं कि वो और उसकी मदर बहुत लकी हैं क्योंकि उसके फादर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। शाओशेंग कहती है कि वो लकी नहीं है क्योंकि वो बचपन से ही अपने माँ बाप के बिना रही है, अगर वो लकी होती तो उसके माँ बाप उसे छोड़ के नहीं जाते। कोई नहीं जानता था कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं ऑलमोस्ट मर चुकी होती, शाओ युआनी ये सब बातें बाहर से सुन रही होती है। शाओशेंग कहती है कि मैडम जी को लगता है उसकी मदर बहुत लकी है क्योंकि उसके फादर बहुत हेल्दी है, मीनवाइल सेकंड अंकल ठीक नहीं है, इतने सालों से सेकंड अंकल ने आपकी सारी बातें मानी है फिर भी आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हुई। मैडम जी कहती हैं कि उन्होंने मेरी बात इसलिए मानी है क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट एंड यूजलेस हैं, वो अपनी फैमिली को लीड ही नहीं कर सकते, इसी वजह से चैन फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे समझ नहीं आता है कि चेन फैमिली सेकंड अंकल को इतना वैल्यू क्यों करते हैं। ये सब कहकर वो वहां से गुस्से में चली जाती है। शाओशेंग स्माइल करती है, शाओ युवानी मैडम जी को जाते हुए देखती है। तभी शिनकोंग कहती है कि मैडम जी अपने हस्बैंड की बुराई शाओशेंग के सामने कर रही हैं। शाओ युवानी कहती है कि शाओशेंग ने उसे इस तरह बोलने के लिए फोर्स किया है। शिनकोंग कहती है कि शाओशेंग ने ये सब बातें जानबूझकर बोली हैं। शाओ युआनी एग्री करती है और कहती है कि कुछ मेड को मेन हाउस में लेके जाओ। शिनकोंग एग्री करती है और वहां से चली जाती है। यहां मैडम जी गुस्से में सभी बुक्स गिरा रही होती हैं और अपने हस्बैंड को मारते हुए कहती है कि तुम अपने आप को आदमी कैसे कह सकते हो, तुमने अपनी वाइफ को ह्यूमिलेट होते हुए देखा है पर तुमने कुछ भी नहीं कहा, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे दूं क्या, तुम उसे पहनना और अपने ब्रदर्स को दिखाना, तुम पढ़ाई में फेल हो गए हो, कोई ऑफिशियल ऑफिसर भी नहीं बने और तुम शरीर से ठीक भी नहीं हो, तुम कुछ कर भी क्या सकते हो। और मैडम जी रोती हैं कि उसकी ज़िंदगी में दुख क्यों है और उसने एक यूजलेस कावर्ड इंसान से शादी कैसे कर ली। चेंग चेंग कहता है कि अगर तुम्हें उससे इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो अपने घर यानी जी रेजिडेंस में जाकर रह सकती है, उसका भाई उसे बहुत सारा सोना और चांदी दे देगा। मैडम जी कहती हैं कि ऐसा सोचना भी नहीं क्योंकि जब उसने उससे शादी की थी तब चेंग फैमिली बहुत पुअर थी और परेशान भी, अब तुम्हारे ब्रदर के पास वेल्थ एंड सक्सेस आ गई है तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, ऐसा सोचना भी नहीं। तभी शाओ युआनी आती है और मैडम जी की बातें सुनती है, वो चेंग को और बुरा बुरा भी बोलती है और उसके साथ हाथापाई भी करती है। शाओ युआनी चिल्लाती है और उसको रोकती है और अंदर कमरे में चली जाती है। शाओ युआनी
कहती है कि जनरल को अच्छी वाइन मिली है और वो चेंग चेंग के साथ पीना चाहते हैं। वो शिंकोंग को उन्हें ले जाने को कहती है। चेंग चेंग वहाँ से जा रहा होता है तभी वो गिर जाता है और मैडम जी उस पर गुस्सा करती हैं। तभी शाओ युआनी उसे मारती है। चेंग चेंग वहाँ से चला जाता है। मैडम जी शाओ युआनी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। तभी शाओ युआनी कहती है कि वो उसे डिवोर्स करवा देगी। मैडम जी कहती हैं कि ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि जब चेंग फैमिली पुअर थी तब वो जी फैमिली पे डिपेंड रहे। शाओ युआनी कहती है तो क्या हुआ, अब चेंग फैमिली स्ट्रांग है और जी फैमिली वीक है, अब उसकी मर्जी है वो कुछ भी करे। मैडम जी कहती हैं कि चेंग फैमिली पे कर्जा है जी फैमिली का। शाओ युआनी कहती है कि किस बात का कर्जा है, क्या जी फैमिली ने उन्हें खाने के लिए दिया है? सभी फैमिली ऐसा करते हैं। हमने विलेज लोगों को प्रोटेक्ट किया है वॉर से, हमने कितने लोगों की जान बचाई है, कुछ राशन देने से आप कर्जा मानती हैं? मैडम जी शाओ युआनी को शट अप बोलती हैं। शाओ युआनी उसे हाफ हार्टेड और फुलिश वुमन बोलती है। सेकंड ब्रदर अच्छे हैं जिन्होंने आपको अब तक टॉलरेट किया। हम 3 दिन में घर से शिफ्ट हो रहे हैं, तुम यहाँ रहना अकेले और वेट करना कि जी फैमिली आपको लेके जाए। मैडम जी कहती हैं क्या मतलब है तुम्हारा, क्या चेंग फैमिली ने मुझे छोड़ दिया है क्या? शाओ युआनी कहती है कि तुमने कोशिश नहीं की दोबारा शादी करने की, पर तुम फेल हो गई, अब मैं तुम्हारी विश पूरी कर रही हूँ। मैडम जी कहती हैं कि तुम मुझसे अपनी बेटी का बदला ले रही हो, बट मैंने उसे कभी हर्ट नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी शाओ युआनी कहती है कि वो किसी से भी आसानी से हेट नहीं करती, तुम्हारी जेलिसी और ट्रिक सब समझती है कि अब तक तुमने क्या क्या किया है, तुमने जो शाओशेंग के साथ किया है वो सब जानती है। मैडम जी एटीट्यूड में कहती हैं कि तुम अब क्या कर सकती हो, और वो यांग यांग को अपने साथ ले जाने की बात कहती है। शाओ युआनी कहती है कि ये तुमको लगता है, यांग यांग चेंग फैमिली का पार्ट है, तुमको जाना होगा, इससे तुम्हें एहसास होगा कि मैंने इतने दिनों तक क्या महसूस किया। तुमने जब मिसयूज किया ओल्ड आईटी का नेम, मुझे शाओशेंग को घर पे छोड़ना पड़ा। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें शाओ युआनी के लड़का हुआ होता है। मैडम जी मैडम चेंग को ओल्ड आईटी से ट्रिक करती है और कहती है कि इस बेबी को अपने पास रखना वरना कुछ बुरा होगा। तभी चेंगशी आता है और वो डाइटी की बात पे बिलीव नहीं करता, वो अपनी फैमिली के साथ जाने को कहता है। मैडम चेंग चेंगशी को कहती हैं कि क्या वो उसकी फैमिली नहीं है। चेंगशी डाइटी को मारने की सोचता है। तभी चेंगशी के पास एक रिपोर्ट आती है कि सिटी को हेल्प की ज़रूरत है। मैडम चेंग चेंगशी को कहती हैं कि अगर उसे बेबी को लेकर जाना है तो वो उसकी मरी हुई बॉडी से लेके जाए। मैडम चेंग की जिद की वजह से चेंगशी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी शाओ युआनी बाहर आती है और बताती है कि उसके ट्विंस हुए हैं और वो अपनी बेटी को छोड़ने का सोचते हैं। वो और चेंगशी बाहर आते हैं, तभी वो बेबी के रोने की आवाज़ सुनते हैं। तभी शाओ युआनी बॉडीगार्ड से कहती है कि मैडम जी कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और वो चली जाती है। मैडम जी अंदर हंस रही होती है। शाओ युआनी मिस्टर चेंग के बारे में पूछती है। शिंकोंग बताती है कि वो मास्टर के साथ हैं। तभी शिंकोंग हंसती है और शाओ युआनी से कहती है कि मैडम जी अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करेंगी अगर उन्हें नाइफ भी दे दिया तो। शाओ युआनी कहती है शिंकोंग को कि अच्छी बात नहीं है और बताती है कि वो उसे इसी घर में रहने देती अगर वो अच्छे से रहती। यहाँ लिंग बुई आयरन शॉप में जाता है। लियांग युफेई रिपोर्ट करता है कि आयरन शॉप के लोगों ने छोड़ा नहीं है ये घर। लिंग बुई बॉडीगार्ड को लेकर घर में एंटर करता है, उसे शू जिनजोंग मिल जाता है। लियांग युफेई उसे पकड़ता है बट शू जिनजोंग पॉइजन खाता है और मर जाता है। लिंग बुई शू जिनजोंग के नेक पे एक बर्थमार्क देखता है, उसे याद आता है कि उसने ये बर्थमार्क बचपन में देखा था और लियांग युफेई से कहता है कि इस घर में रहने वाले सभी लोगों को पकड़ो।
मास्टर जी चेंग फैमिली में आते हैं। चेंग चेंग अपोलोजाइज करता है मास्टर जी से, बट मास्टर जी कहते हैं कि उसे अपोलोजाइज करना है चेंग चेंग से। चेंग चेंग और मैडम जी से मिलती है और मैडम जी कहती है कि चेंग फैमिली ने चेंग यांग को बहुत अच्छे से रखा है और कहती है कि वो उसके लिए बहुत कुछ लाई है। शाओ युआनी सभी को अंदर चलने को कहती है। मास्टर जी चेंग फैमिली से कहते हैं कि उसकी बेटी यानी मैडम जी इज बैड वुमेन, बट उन्होंने फिर भी उसकी शादी चेंग फैमिली में कर दी। वो मैडम चेंग से सॉरी बोलते हैं और छुपते हैं, बट मैडम जी कंप्लेन करती हैं मास्टर जी से कि चेंग फैमिली ने उसे बुली किया है। मास्टर जी को गुस्सा आता है और मैडम जी को चांटा मार देते हैं। ओल्ड मैडम जी बताती हैं कि मास्टर जी ने मैडम जी के लिए क्या क्या किया है। मैडम जी हार्टलेस है। चेंग शी मेंशन करता है कि मास्टर जी ने उन्हें फूड दिया होता है जब उसने आर्मी ज्वाइन की थी। मास्टर जी पॉइंट आउट करते हैं कि वो मर जाते अगर चेंग शी उसे या उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैडम जी ने अपना टेंपर बिल्कुल चेंज नहीं किया। उसे लगता है कि मैडम जी ने चेंग चेंग के लिए सिर्फ परेशानी लाई है। चेंग चेंग सॉरी बोलता है और अपनी नी पे बैठ जाता है और मास्टर जी से कहता है कि उसकी भी मिस्टेक थी। मास्टर जी कहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे उसने बचपन से देखा है। वो जानते हैं कि चेंग चेंग अच्छा सन इन लॉ है। वो कहते हैं कि वो बहुत अशेम्ड है और सजेस्ट करते हैं कि वो डिवोर्स दे दे। वो कहते हैं कि वो अपनी डॉटर को अपने साथ ले जाएंगे। चेंग शी मुस्कुराता है। शाओ शेंग अपने रूम में जाती है। लियांग फेंग कहती है कि शाओ शेंग ने फैमिली पार्टी अटेंड क्यों नहीं की। शाओ शेंग कहती है कि उसे लगता है कि वो चेंग फैमिली में बिलोंग नहीं करती है, कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। तभी शाओ युआनी आती है और पूछती है शाओ शेंग से कि तुम यहाँ क्यों हो, मास्टर जी से क्यों नहीं मिली। शाओ शेंग कहती है कि वो मिलने नहीं आए हैं, वो इम्पोर्टेंट मैटर को सेटल करने आए हैं। वो सेकेंड अंकल का डिवोर्स होते हुए देखे, जो कुछ भी सेकेंड आंटी ने उसके साथ किया मास्टर जी भी मुझसे उसी पर बात के लिए सॉरी बोलेंगे, जो कुछ भी हुआ उसे रहने दो। शाओ युआनी कहती है कि तुम्हें ग्रैंडपा जी से मिल लेना चाहिए, उनको वेट करवाना ठीक नहीं। जब शाओ युआनी शाओ शेंग को मिलवाने के लिए आती है, अंदर चेंग यांग रूम में ग्रैंड मैडम जी के साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर चेंग फैमिली के साथ है। वो रोती है। तभी शाओ युआनी नॉक करती है और रूम में एंटर करती है। शाओ शेंग ग्रीटिंग करती है आंट जी को और आंट जी शाओ शेंग को ओबीडियंट गर्ल बोलती हैं। वो सब बैठते हैं, मैडम जी के बारे में सब बात करते हैं कि मैडम जी ने उन्हें कितना परेशान किया। चेंग यांग ये सब सुनकर और रोती है। तभी आंट जी उसे अच्छे से रहने को कहती है और बताती है कि तुम्हें अब आगे से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पेरेंट्स हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें खुद ही चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और वो उसे इंडिपेंडेंट बनने को कहती है और उसकी आंट उसे प्रोटेक्ट करने को है, यानी शाओ युआनी उसे प्रोटेक्ट करेगी इन द फ्यूचर। शाओ शेंग उसे बटर मिल्क ऑफर करती है। आंट जी शाओ शेंग की तारीफ करती है। शाओ युआनी चेंग यांग की तारीफ करती है और शाओ शेंग से कंपेयर करती है। आंट जी चेंग यांग का फ्यूचर में ख्याल रखने को कहती है। शाओ शेंग जब जा रही होती है तभी एक फ्लैशबैक आता है। शाओ युआनी शाओ शेंग को डांटती है कि वो ग्रैंडपा जी से मिलने नहीं गई और कंपैरिजन चेंग यांग से करती है। शाओ शेंग कहती है कि वो कुछ भी कर ले वो ही गलत है, वो चेंग यांग की तरह नहीं बन सकती है क्योंकि उसकी मदर उसके पास नहीं थी कुछ भी सिखाने के लिए। शाओ युआनी कहती है कि उसने सभी जिद्दी सोल्जर के साथ डील किया है, वो उसे धीरे धीरे भी सब कुछ सिखा देगी। शाओ शेंग सोचती है कि अब वो अकेले ही अपनी जिंदगी अब वो अपने हिसाब से जिएगी, वो अपने आप को अच्छे से ट्रीट करेगी जस्ट लाइक अ बर्ड। वो अब इन द फ्यूचर किसी से भी वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगी। रुयांग से मास्टर जी जा रहे होते हैं। वो चेंग चेंग को पढ़ाई के बाद स्कूल में पढ़ाने का एक ऑफर देते हैं। चेंग चेंग प्रॉमिस करता है कि मास्टर जी की बातों को वो ज़मीन पे गिरने नहीं देगा। वो शाओ युआनी से चेंग यांग का ख्याल रखने को कहता है।
चाओ युआने भी प्रॉमिस करती है कि वो चैंगयांग को अपनी बेटी की तरह रखेगी। चैंग चैंग कैरेज में जाता है और मास्टर जी भी अपनी कैरेज में जाते हैं। चैंगयांग चाओ युआने के कंधे पर रोती है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.